जीवन में सदा उतार कर। घर में अगर तुलसी का क्यारा है तो तुलसी महारानी हमें ये बता देती है कि हमारे घर में सुख आने वाला है कि दुख आने वाला। जैसे शनि अपना प्रकोप दे रहा है या शनि उतर रहा है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मालूम पड़ जाता। कैसे? शनि कथा अगर आपने सुनी हो तो उसमें व्याख्यान आता है। शनि कथा में पांव की चप्पल बाबा टूट रही हो, कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो फट रहे हो, कहीं पजामा है, धोती है, आधिक वस्त्र हैं, कपड़े हैं, वो अपने आप फट। आज के जमाने में तो फटे फटाए पहनते हैं लोग फैशन, उसकी गारंटी नहीं है, उसका हम वर्णन नहीं कर। हम जब पहनते हम समझ जाते हैं इसको शनि तो ऑलरेडी लगा ही हुआ। जब उनका घुटना घुटनी सब फटा हुआ दिखता है तो उसमें लग जाता है कि शनि पहले से लग गया बापड़ा उनके, पहने से तो मालूम पड़े। शनि का नियम है, शनि कथा कहती है पांव की चप्पल बार बार टूट रही हो, घिस गई हो, बद्दी टूट रही हो, कुछ कर रही हो, और अगर कमर से नीचे जो वस्त्र पहने हो वो अपने आप फट रहे हो, समझ लेना कि शनि पांव से प्रवेश कर रहा, मतलब अपनी प्रखरता शनि दिखा रहा। किसी मंदिर में गए महाराज और वहां जाने पर चप्पल चली गई तो समझ लेना शनि की कुदृष्टि अब पड़ना बंद होना चालू हो गया। कितना सुंदर कहा है महाराज, जूता चप्पल आज के जमाने में तो फैशन हो गई साहब। घर की चप्पल अलग होती है, बाहर की चप्पल अलग होती है, लोग घर में चप्पल किचन तक में पहन के जाते हैं। अरे पानी ले जाओ सीओर से, रसोई घर में लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, जहां भगवान का प्रसाद बन रहा, जहां अन्नपूर्णा निवास कर रही है, और पूछो तो कहे किचन की चप्पल है तो माथे पे रख लो। तुम अपनी मां को जरूर देखना एक बार, वो बूढ़ी मां कितनी बार किचन में चप्पल पहन कर गई, मुझे जरूर फोन कर बताना। बूढ़ी मां रसोई घर में आज भी बिना चप्पल के जाती है, और बहुओं की कहीं एड़ी नहीं फट जाए, ठंड नहीं बैठ जाए, इसलिए ये रसोई घर तक में चप्पल पहन कर जाती है। सूर्यनारायण की कथा पढ़ना, शनि महाराज की कथा पढ़ना, और गरुड़ पुराण की कथा पढ़ना, जिन जिन कथाओं का हम व्याख्यान करें उसको पढ़ना जरूर हो। क्या लिखा है? घर के अंदर जब चप्पल जाती है, रोग बीमारी कष्ट तकलीफ चालू हो जाती है। तुमने चप्पल क्यों पहनी? ठंड नहीं बैठ जाए, रोग नहीं बैठ जाए, घर के अंदर उतना बढ़ गया। एक कालीन बिछा दो, एक दरी बिछा दो, मोटा आसन बिछा दो जिस पर तुम चल लो। जरूरी है, कई कई लोगों को हमने ये भी देखा कि कालीन पर भी चप्पल पहन के चल चल, और ब्राह्मणों को भोजन परोस रहे, गुरुजन को भोजन परोस रहे, ठाकुर जी की थाली बना रहे, ठाकुर जी का थाल लगा रहे, तो भी चप्पल है पांव। तेरा क्या होगा री कालिया, क्या होगा? विचार तो करो। देह पड़ी रे जाए यहीं पर, फिर कुंडल और नगीना, क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अभी भी सुधर जाओ रे, अभी भी सुधर जाओ, नहीं सुधरो तो सिधर जाओ रे, या तो सुधरो नहीं तो सिधरो, थोड़ा सुधरो। रसोई घर में अन्नपूर्णा रहती है, रसोई घर में शिवमहापुराण की कथा कहती है, जब भगवान शंकर को मां जगत जननी भोजन करा रही थी, शंकर जी ने वर मांगा था अन्नपूर्णा का,
हे अन्नपूर्ण, तुम मेरे घर के बच्चों का भरण पोषण कर रही है। इस मृत्यु लोक में जितने मनुष्य जन्म लेते हैं ये मेरे पुत्र कहलाते हैं। तो अन्नपूर्णा ने कहा, चिंता मत करना भोलेनाथ, जिस ग्रह पर एक स्त्री, बेटी, कन्या या घर की बहू या बूढ़ी माँ भोजन बनाएगी, उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी।